बागेश्वर धाम की। ये जो पर्चे बना रहे हमें भी पता नहीं है किसके हैं, ये बालाजी जाने किसके हैं। ये पांच पर्चे गुरुजी की प्रेरणा से बनाए हैं, ये दप्ती अलग है। अब तीन पंडाल हैं, तीनों पंडालों में इस पंडाल से तीन, इस पंडाल से दो, और तीन नंबर पंडाल से दो, और एक नंबर पंडाल से एक बुलाएंगे। जो भी आएगा और वह व्यक्ति एक नंबर से पांच नंबर तक के बीच में जो भी पर्चे को कहेगा वो पर्चा उसके नाम से निकाला जाएगा, और जो वो प्रश्न बोलेगा उसका उत्तर उस पर्चे पर लिखा मिलेगा। और यह चीज बिना बालाजी की कृपा के बिना असंभव। दूसरी बात, वह व्यक्ति वही नंबर बोलेगा जो उसका होगा, उसकी क्षमता नहीं है कि अपनी जवान से कोई दूसरा नंबर बोल जाए। कैसे होगा, कौन कर रहा, ये बागेश्वर बालाजी जाने। हम तो इतना जानते हैं गुरुजी ने कह दिया, सन्यासी बाबा ने, तो बात कटने वाली नहीं है। तो पहले बुलाते हैं तीन नंबर पंडाल के दो लोग। उन दो लोगों को अब बुलाएगा कौन, कोई भी ऐसा हो जिसे बुलाने का भाव हो खड़ा हो जाए। ठीक है, सफेद शर्ट वाले तुम आ जाओ, वो सफेद शर्ट वालों को ये तीन नंबर पंडाल के लिए रवानगी करेंगे। हाँ हाँ, इन्हीं मोटे भाई साहब को भेजो, इन्हीं को भेजो भेजो भेजो। अब तीन नंबर पंडाल वाले बाकी लोग बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ बैठ जाओ। अब जो एक नंबर पंडाल है वहां से तो आना है एक, उस तरफ में कोई भी अगर बुलाना चाहता हो एक व्यक्ति को, सुन लीजिए, आप अपने परिचय का व्यक्ति नहीं बुलाएंगे, आगे से पीछे से बीच में जो आपको लगे, भैया वहीं से चले जाओ, सुनो, आगे से पीछे से बीच में ये तीन नंबर पंडाल है, जो आपको लगे उसी को ले आना। तुम वही उसी को लाओगे जिसका हम पर्चा लिख चुके हैं, और तुम में क्षमता हो तो बदल के बताओ तुम्हारी ठटरी। अच्छा, एक नंबर पंडाल में कौन जाने को तैयार है, बहन जी तुम आ जाओ, चश्मा वाली बहन जी। हाँ, ये जो चश्मा वाली बहन जी है सफेद सा सूट पहने, बहन जी आप उस पंडाल में चले जाइए। अरे सुन लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, आप उस पंडाल में चले जाइए, पुरुष को स्त्री को पीछे से आगे से कहीं से भी एक व्यक्ति को लेकर के आ जाइए। आप, हां आप जिसको लाएंगे उसका ही पर्चा हम बिफोर टाइम लिखकर रख चुके हैं, कलम नहीं चलेगी। अब रह गए इस पंडाल के। इस पंडाल में दो लोगों को लाना है, और वो लाने का काम कौन करेगा। हाँ, कोई भी कर सकते, पुलिस भी कर सकती, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं कर सकती, आप ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आप ड्यूटी में, आप चाहो तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सपोर्ट नहीं, जिसे आप पहचानते ना हो उसको इस पंडाल से दो लोगों को लाने का जिम्मा दिया जाए। किसको? हाँ,
आप ही जाइए, लेकिन पीछे की तरफ जाइए, पुरुष में महिलाओं में किसी, सुन लीजिए आप हमारी सुन लीजिए, आप जिसको परिचित ना हो उसको आप लेकर आना, क्योंकि आप प्रशासन की व्यवस्था में हैं और किसी की मदद आप इतनी कर दीजिए, और आप जिनको चुनेंगे, जिसको भी चुनेंगे, उसके नंबर का पर्चा हम लिख चुके हैं। दो लोगों को लाइए, पीछे से लाओ, सलाम। अब देखिए क्या होता है, देखो अगर निकलता है सही पर्चा कि नहीं, क्या पता गलत निकल जाए। लेकिन 11 साल में आज तक तो गलत हुआ नहीं है, ये बालाजी की कृपा है। पीछे की तरफ चले जाइए, जय श्री राम, साधु जी, साधु जी, साधु जी। जल्दी आ जाओ, जो जो लेने गए हैं वो हाथ पकड़ के ले आइयो, कि कौन दूसरों बीच में आ जाए। तुम बुलाओ किसी को, कोई और आ जाए, उससे भी कोई डर नहीं है, जिसको बुलाएंगे वही आएगा। आपको कहा था बहन जी हमने ना, नेवर नेवर, आपको तो नहीं कहा, जो व्हाइट कपड़ा पहनी थी उन बहन जी को कहा था ना, वो गई है, इन्हीं को कहा, वो गई है, वो गई है, वो ला रही है, यहां से ले आए। व्हाइट शर्ट वाले आ गए, भाई साहब आ जाओ, अब जो कहते थे या कहते हैं कि ये अपने लोग या दिमाग पढ़ लेना, उनकी पढ़ाई के लिए ये खुली छूट है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन सी रीडिंग कहा, मांड रीडिंग, सीताराम। अरे बालाजी की सिद्धि में और पढ़ाई में बहुत अंतर है, सिद्धि का सब कुछ खेल अद्भुत होता है, सिद्धि वही करवाती है जो सिद्धि चाहती है। कहे भी भाई साहब नहीं आया, सफेद शर्ट वाले वो तो सबसे पहले गए थे, हाँ पीछे गए होंगे। बहन जी आ जाओ, बैठ जाओ, बाकी सब अभी बैठो, बैठो अभी दरबार लगना है, खड़े मत हो, बैठ जाओ। तुम चाहते हो कि हम ज्यादा देर तक बैठें? ये माता जी ने क्यों, किसने, कौन लाए? अच्छा साहब लाए, साहब आप यहीं रहना, अब आपको अंदर आना है। दूसरी जगह है, अच्छा ये दोनों लोग इनको ऊपर चढ़ाओ, इतने खड़े करो, वोटिंग सो सांसदन कैसो, इतने खड़े करो ऊपर। वो अभी बहन जी दिखानी थी, अब गायब हो गए, हाँ भी है। राम, साधु जी, साधु जी। बहन जी एक ही लाना है, एक वन, आप साथ में आ जाओ, चले आइए ऊपर, वहीं खड़े हो जाइए, वहां खड़े हो जाइए, सीताराम जपिए, यहीं खड़े रहिए, हाँ माता जी यहीं खड़ी हो जाओ, दो आप भी आ जाओ। लड़ाई हो गई का, भूत ही भूत लड़ गए का? भूत ही भूत लड़ गए का? भूत भी आदमन से बुरा है लड़ा, हाँ तुम कहा समझा,
ठीक है, तीन। वो दो लोग कहाँ गए? अच्छा, जब तक वो लोग आ रहे, आप लाई हैं इनको, आप श्रीमान जी लाए हैं इन दोनों को, सबसे पहले कौन भेजना चाहे? आप भेजेंगे? ठीक है, आओ माताजी, आप वहीं खड़ी रहो, आओ। माइक ले लीजिए, इनको माइक दीजिए, कॉर्डलेस माइक यहां से उठा के दीजिए, यहां से उठा दीजिए, जब तक वो आते हैं दे दीजिए। बैठिए, बैठ जाइए आप, माताजी आप बैठ जाइए, इनको हाथ में ले लीजिए, ले लीजिए। अच्छा ठीक है, लेटा दीजिए फिर मन का। माइक लो, आप इनको पहचानती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप पहचानती? बिल्कुल नहीं। आप कहाँ से हो? मैं जबलपुर अधारताल से। आप जबलपुर, आप कहाँ से हो? मैं जबलपुर से। तो इन्हें पहचानती तो नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं पहचान। आप मानती हैं कि कोई व्यक्ति बिफोर टाइम पर्चा लिख करके रख चुका हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? बालाजी मेरा ये प्रश्न है कि मेरे सब कुछ खुश रहे सभी लोग। ठीक। बालाजी कैसे जो परेशान हो उसकी अर्जी बिल्कुल स्वीकार हो। ठीक है, और कोई बात? घर की जो परेशानी हो सब दूर, कष्ट दूर। और कोई प्रश्न? जो काम में दरार आ रही है, जो कारोबार में दरार आ रही है। कौन सा काम? प्रॉपर्टी का लाइन में काम, प्रॉपर्टी का लाइन में काम है जी सर। इनके लिए एक नंबर से पांच नंबर में कौन से नंबर का पर्चा निकालें? आप जो नंबर बोलेंगी और इन्होंने जो बोला है वही उत्तर उस पर्चे में निकल करके आएगा। दो। फाइनल? तीन बोल लो। तीन, तीन। आज नहीं, नहीं दो ही ठीक है। तीन था तीन। नहीं नहीं, दो ही ठीक है। चलो दो। फाइनल? दो। अभी तो नहीं बदलना? नहीं नहीं। आप तो पांच भी बोल दो। नहीं नहीं, दो। पक्का? पक्का। ठीक बहन, दो नंबर। ये कितने नंबर है? आप पढ़ी लिखी हैं? नजदीक आई है। और ये कैसे हो रहा? लगाओ अपनी बुद्धि, बहुत नजदीक आओ ताकि आप पर्चा पढ़ पाओ। आप ही पढ़ लीजिए गुरुजी, आप ही सब कुछ हो आप। नहीं नहीं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं, नहीं। अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बहुत विश्वास। आइए आइए, अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। पति का नाम क्या है? सुनील रजक। पढ़िए। दो पितर 2016 से घूम रहे, जो प्रॉपर्टी के काम में रुकावट बनाए, बिजनेस का काम है सुनील का, शत्रु शांत होंगे, देवी अनुष्ठान करवा दें, कृपा होगी, आशीर्वाद है। यही चाहती थी गुरुजी, मेरा छाया बन रही गुरु महाराज, आपके चरण मेरे घर में सदा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं इच्छा लेके आई। बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे, आएंगे आएंगे, मेरे घर में चरण आपके रखना चाहिए गुरु महाराज। बस ये मंत्र है जी गुरुजी, तीन माला, स्वास्थ्य सबका ठीक रहेगा, पूरे परिवार पर कृपा रहेगी। ये पर्चा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, सभी परिवार आपका ठीक रहेगा, घर पर कृपा रहेगी, आज से पूरे परिवार पर दया करें, आशीर्वाद। चलिए गुरु महाराज, थोड़ा सा बच्चे को भी, इसके बाद आप भेज दीजिए। ठीक, इनको भी स्वास्थ्य ठीक हो, झटका बंद होंगे। बालाजी महाराज की जय, महाराज की जय। किसी को भी आप भेज दीजिए। क्या नाम है आपका? नरेश अरवार। अरे वाह, आप यहीं ड्यूटी में? सिवनी जिला पोस्टिंग। वाह, आप यहीं कथा में ड्यूटी में है ना? जी। तो आप मानते हैं कि कोई बहुत पहले लिख चुका हो, फिर जिस व्यक्ति को रेंडमली बुलावे, तुरंत में बुलावे, और फिर जो नंबर पर्चा बतावे वो निकले? नहीं नहीं मानते। भेज के देखिए आप किसी को भी। ठीक। माताराम, माता जी पढ़ी लिखी है? पता नहीं, पूछ लो आप। आओ माता जी, हो सकता है एक आध तुक्का लग गया हो, दूसरा वाला गलत निकल जाए। हाँ आप जा सकते हैं, आपको नहीं बुलाया। बैठो माँ, यहां यहां बैठो, भगवान की तरफ, बालाजी की तरफ देखो। जी माँ, क्या पूछने आई हो? बस बस बस, भगवान भर को प्रणाम करो। ये लो पहले माइक। कहां से हो? अच्छा, का पूछने आई? पूछने आई कि बहू की जॉब लग जाए, बहुत परेशान है, लड़का हमारा सुधर जाए। ठीक है, पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी। कोई बात नहीं, आप तो पढ़े ही लिखे होंगे, आप पढ़ना चाहो तो आप आ जाओ, किसी और को बुलाना चाहो तो जी। आप ड्यूटी में हो, आप पढ़े लिखे हो, आ जाओ।
इनका फिर नंबर भी आ जाए। इन माताजी के लिए कौन से नंबर का पर्चा निकाले? 5 फाइनल? एक तो नहीं, नहीं। तीन तो नहीं, 5 ही। अब आप कहते हो तो निकालना तो पड़ेगा। राम राम लीजिए, कितना नंबर है? 5 नंबर। नजदीक खिसक के आओ। संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, बहू को जॉब होगी, कृपा होगी, आशीर्वाद एवं बेटा पर भी कृपा हो जाएगी। गलत संगत में फंसा हुआ है, व्यसन करता है। माइक ले लो अब, ये तो माइक से बोलो। हाँ जी। व्यसन करता है, सुधर जाएगा धाम की कृपा से, आशीर्वाद। बराबर? माइक लो। जी सर, सही है। साधु जी, सीताराम, माताजी, उसके पीछे 4 कुसंग वाले व्यक्ति लगे हैं। माइक ले लो। जी। 4 जने उनको दिमाग खराब कर दे जी। संगत में परो बुराई जी। उल्टे उपद्रव करत, पैसा बर्बाद कर दो, सुनत नहीं, मरवे की धमकी दे जी। और पूरे घर हाँ तांडव मचाओ जी। पूरे घर में तांडव मचाओ जी। 4 साल से हैरान करें जी। 4 साल से हैरान करें। सुधर जे है उनकी फोटो लेके मोरे लो आ जाइयो तो मत आई, उनकी बुद्धि ठिकाने लग जे है। जाओ बागेश्वर बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। माइक लो तब तक आप। लो मैया, आप माइक ले लो, पूछो क्या प्रश्न है बेटा। सर मैं सीधी से हूँ और जबलपुर में हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। नौकरी करते हैं? यस सर। थोड़ा नजदीक आ जाओ, हम प्रश्न पूछे। यस, मेरा सर फर्स्ट क्वेश्चन सवाल ये है, मैं बहुत परेशान था, बच्चे नहीं हो रहे हैं शादी के बाद, तो मैंने काफ़ी दवाई कराई। दूसरा मेरी मम्मी को बहुत झाड़ फूँक कराए, इसके बाद भी स्वास्थ्य सही नहीं होता, तो उसके लिए भी बहुत परेशानी चल रही है सर, और आर्थिक स्थिति में परेशानी बनी रही। भगवान इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा निकालें? 1 नंबर का फाइनल। 4 भी बचा है, 3 भी बचा है, एक नंबर। ठीक, राम 1 नंबर सर। पक्का? यस सर। ठीक, आपके यहाँ तंत्र बाधा है जिस कारण से घर में विघ्न व संतान की रुकावट है, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है बाबा जी, कुछ खबरी आएगी सर। बहुत परेशानी है बाबा जी, मम्मी कोख का बंधन बताया है जी, जी। पूरी डिटेल सुन लीजिए जी, जी। हम जो बोलते जा रहे हैं, जो लिखते जा रहे हैं, गलत बोले तो तुरंत टोक दीजिए। नहीं, कोख का बंधन बताया है जी, एवं गर्भाशय में समस्या बताई है जी, जी। ट्यूब की दिक्कत है जी, बाद में जांच नॉर्मल आई जी, बाद में जांच नॉर्मल आई जी। वह एक दिक्कत, अंडे नहीं बनते, ये 2 जांचें आई हैं, आराम लगेगा, कोई भी वर्तमान में शारीरिक कमी बड़ी नहीं है हमारी इसके अनुसार, ट्यूब को छोड़कर के कोई भी बड़ी शारीरिक कमी नहीं है। उसकी औषधि चल रही है जी। एक औषधि धाम से भी मिलेगी जी। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, जल्दी आपके यहाँ खुशखबरी आएगी, आशीर्वाद है। इसमें ये आपको है, ये पतला है, ये आप ठीक है, लेकिन वो चर्चा चूंकि आपकी गोपनीयता भंग ना हो, आपकी कृपा हो और हम कारण भी बता देते, लेकिन आपकी गोपनीयता भंग ना हो, इसमें इस कारण से इससे ये दिक्कत हुई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी भी कई बार बिगड़ जाते। हमारा आशीर्वाद तो है, सुधरना तुम्हें, और कुछ हम औषधि देंगे, धाम पर जाओ, बालाजी को ध्याओ, खुशखबरी आएगी। हाँ जी, धन्यवाद, जय हिंद। आप दोनों खड़े रहिए।
आप उनके साथ आए ना, उन्हीं की बात करे रहिए, माइक लीजिए, खुश रहो जी साहब। जय बालाजी सर का। जय बालाजी की। जय बालाजी। दो लोग ले आए, पकड़ ले आए भीड़ से। हाँ। अच्छा तुम माना तो कि पहले से पर्चा लिखो रखो ये? नहीं। चलो ना मानो, पूछो, बुलाओ किसी को। जी है ना, दो ले आए, किसी को भी भेज दो, चले जाओ भाई जिसको जाना। राम सीताराम। हाँ पूछिए क्या प्रश्न। आपकी जय हो, कहाँ से हो? गुरुदेव हैं? बिहार से। बिहार से? जी पांचवी बार आया हूँ। वाह। दमोह में स्टार्ट किया था हैं? उसके बाद आप नागपुर गए हैं? फिर मैं रायपुर गया हैं? फिर आपके धाम पे 13 साल के बीच में था, उसमें आया हैं? फिर बहन रहती है यहाँ पे, फिर यहाँ आया हूँ। घर से छुपा छुपा। बिहार में कहाँ से हो बाबू? बिहार में पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला। का बात बार हुआ, सब ठीक बा जी? पूछो क्या प्रश्न है प्यारे। देखो भगवान ने बहुत अच्छी सुनी तुम्हारी, चलो गंभीर होके बैठो, क्या प्रश्न है इनके चरणों में? गुरुदेव आंख भर आए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, बहुत गंभीर हो जाओ, बहुत सावधान हो जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, पहले उनकी तरफ देखो, पूछो क्या प्रश्न है। हाँ हम माइक में ना बोलें, ठीक है, नहीं बोलेंगे, और पढ़ाते समय हम माइक बंद कर देंगे। पूछो। कौन से नंबर का पर्चा निकालें? हमारे पास 4 नंबर बचा है और 3 नंबर बचा है। 3 नंबर 4 नंबर फाइनल? हाँ फाइनल। 3 तो नहीं? नहीं 4। अरे यार 3 कह दो। नहीं अब बोल दिया, 4 तो 4। चलो भैया तुमने 4 बोल दिया तो ये पढ़ो, कितना है? 4 नंबर। हाँ अच्छा जरा। हाँ ठीक ठीक। सीताराम सीताराम। गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, श्री राम जय श्री राम। हरि बैठो, कहां से हो? अच्छा माइक लो, बोलो क्या अर्जी है मालिक? गुरुदेव माँ के पैरों की समस्या ठीक नहीं हो पा रही है। हाँ, और बहुत जगह उनको दिखाया, कहीं से आराम नहीं मिल रहा है, बैंगलोर भी गए। और कोई प्रश्न? घर में धन की बहुत तंगी है गुरुदेव। हैं? धन की बहुत तंगी है। अच्छा का करत तुम? अभी 12th कंप्लीट हुआ है। अच्छा ठीक, एक ही पर्चा बचो भाई साहब। नंबर कहीं सोच के आए थे हम। अच्छा जब 5 पर्चा बने थे तो तुमने कौन सा नंबर सोचा था? 3 नंबर। हाँ बारहवीं तक पढ़े ना। एकता रहेगी घर में, आर्थिक तंगी है जो विकास होगा, जकड़न दर्द पैर में माँ को समस्या बनी हुई है। जी जी। पर्चा पढ़ते जा रहे हैं? जी जी। अक्षर समझ आ रहे हैं? हाँ, समस्या बनी हुई है, उन्हें आराम होगा, लाभ होगा, सभी काम पूर्ण होंगे, आपका जॉब योग भी 2027 9 मई से 2028 के मध्य में हुए आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। क्या पर्चा यही बोल रहा? जय बागेश्वर मां। हैं? बिल्कुल सही अक्षर सा अक्षर, बिल्कुल सही ये मंत्र है।
माँ को सूजन भी आ जाती है? जी बहुत ज्यादा रहती है पैरों में सूजन। कवच हम धाम से देंगे, मंत्र पढ़ लिया, जाओ खुश रहो। साधु जी आओ, मैया धन्यवाद भैया, बताइयो पल्लो पाओ। हाँ